और वेरी गुड इवनिंग डिम्पल वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू इंस्पायरिंग एग्रीकॉल लर्निंग प्लेटफॉर्म आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गोभी की खेती के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कल्टिवेशन ऑफ कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर की कल्टीवेशन हम डिटेल में यहाँ पढ़ने वाले हैं जो कि एग्रीकल्चर के जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव इंट्रांस एग्जामिशन आपके हैं उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है ठीक है तो देखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है बाकी जिन स्टूडेंट्स को कोर्स जो तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर तो बेस्ड जो आपके एग्जामिनेशन से तो कॉन्टैक्ट कर सक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया या फिर आपको इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है वहाँ पे नोट्स और आपको क्लासेस वगैरह वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे चलिए गोभी की खेती फ्ला, कॉलीफ्लावर कल्टिवेशन के बारे में देखेंगे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे करना चाहेंगे देनेक्स्ट उसके बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ज़्यादा मतलब वाइड नहीं पढ़ाएंगे जितना एग्जामिनेशन के लिए सफिशेंट है वो यहा, यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा देखो अगर हम कॉलीफ्लावर की बात करते हैं अगर हम कॉलीफ्लावर की बात करते हैं सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपकी है आपकी क्रॉप हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में जब हमने क्लासिफिकेशन की की पढ़ी थी तो क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि जो कॉलीफ्लावर है आपकी कोल क्रॉप है क्या आपकी कोल क्रॉप है ठीक है अब कोल क्रॉप के बारे में आप सभी जानते हैं जो आपकी कोल्ड रीजन पे हम कल्टिवेशन uh, जिनको करते हैं आपकी कोल क्रॉप कहलाती है ठीक है uh, ठीक है अगर बात करें हम कॉलीफ्लावर की बात करें इसके साइंटिफिक नेम की बात करें बोटेनिकल नेम की बात करें तो ब्रासिका ओदरेसी क्या है इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका है लेकिन यहाँ पे आपको वरायटीज की ध्यान रखना है क्योंकि वैरायटी से कंफ्यूजन होता है आपका यहाँ पे कॉलीफ्लावर कैबेज आपका है ठीक है इसकी डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज है साइंटिफिक नेम एक मिलेगा लेकिन वराइटीज इसकी अलग अलग मिलेंगी अगर हम कॉलीफ्लावर की बात करते हैं फुल गोभी की बात करते हैं आप की यहाँ पे दिखाई दे रही है इसकी हम बात करें इसकी जो वरायटीज आपकी होगी क्या होगी आपकी बोटरेटिस क्या होगी ये नाम आपको याद रखना है ब्रेसिका और रेसी वराइटी क्या होगी बॉट्रेटिस वरायटी होगी कॉलीफ्लावर की ठीक है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है साइंटिफिक नेम जब आप याद करोगे अगर हम बात करते हैं फैमिली की बात करते हैं इसकी फैमिली ऐसे बरासी भी है और कृषि भी इसी का नाम है फेरी और फेरी ठीक है दोनों एक ही है ठीक है ठीक है ब्रासिकेश और क्रूसी फेरी भी क्या है आपकी सेम ही आपकी फैमिली है क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो आपका डिप्लॉयड है 18 अठारह क्रोमोजोम नंबर होगा ओरिजन की बात करते हैं आपका मेडिटेरियन रीजन है इसका ठीक है मेडिटेरियन रीजन क्या है इसका ओरिजन माना जाता है अगर हम बात करते हैं इसकी फ्रूट की बात करते हैं ये जो इसका फ्रूट है ये आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं कर्ड बोलते हैं 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 है. और यही इसका क्या है एडिबल पार्ट भी है क्या है इसका एडिबल पार्ट भी क्या है कर्ड है करीफ्लावर का ठीक है एडिबल पार्ट क्या है कर्ड है इसका ठीक है फ्रूट टाइप भी कर्ड है और एडिबल पार्ट क्या है इसका कर्ड है जिसको हम खाते हैं और ये क्रॉप जो मैंने पहले ही आपको बता दिया इन प्रोसेस की बात करते हैं टाइप की इन पे पाई जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका की आपकी क्रॉस पॉलीनेटेड क्रॉप है क्या आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है आपकी क्या आपकी क्या क्रॉस पॉलीनेटेड क्रॉप आपकी कॉलीफ्लावर है या आपकी जनरल इंट्रोडक्शन थी आपके कॉलीफ्लावर के बारे में जो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है वैसे हम वराइटीज किसकी बात करते हैं तो कुछ जो वराइटीज आपकी अर्ली वराइटीज है ठीक कुछ मीडियम वराइटीज हैं कुछ आपकी लेट सीजन वरायटीज हैं यानी कि अर्ली जो आपकी मेच्योर हो जाएंगी कुछ आपकी लेट मेच्योर है लेकिन अगर हम बात करते हैं जो आपकी मीडियम uh, uh, जो वराइटीज हैं आपकी तो वो अक्सर यहां पे मैंने ऐड नहीं किया इसमें ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट आपकी अर्ली और लेट वाले आपकी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं कि अर्ली वरायटी आपकी क्वालिफर uh, की कौन कौन सी है इसमें आपकी पूसा अर्ली सिंथेटिक आएगी कौन सी आएगी पूसा अर्ली सिंथेटिक वरायटी आपकी अर्ली वरायटी है वही हम बात करते हैं अर्ली कंवारी है क्या है अर्ली कंवारी वैरायटी आपकी क्या है कॉलीफ्लावर की अर्ली वैरायटी है और पूसा दीपाली की बात करते हैं यह भी की अर्ली वैरायटी है हम कतकी की बात करते हैं यह आपकी अर्ली वैरायटी है हम बात करते हैं पूसा शरद की बात करते हैं आपकी अर्ली वैरायटी है वही हम बात करते हैं लेट वैरायटीज की बात करें आपकी पूसा स्नोबॉल आपकी लेट वैरायटी है ठीक है अगर हम बात करते हैं आपकी पूसा हिमज्योति आपकी क्या है लेट वैरायटी है स्नोबॉल और हिमज्योति दोनों आप पर कैसे दोनों आपके हिली एरिया हिमालय हिमालयन यानी कि हिली एरिया, है, है? मतलब हिम हिमाल्या, हिली एरिया से आप याद रख सकते हो पूसा लगा लो ठीक है आपको याद रह जाएगा ठीक है वैसे आपको ये भी आपको याद रखना है जो आपकी अर्ली वराइटीज हैं और आपकी लेट वरायटीज है दोनों आपको याद रखने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्लाइमेट की बात करेंगे क्लाइमेट आपका कैसा होना चीज के लिए क्लाइमेट की बात करें तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका 23 डिग्री सेल्सियस माना जाता है ठीक है ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना आपका 23 डिग्री सेल्सियस आपका बट इन लेटर स्टेजेस में आपका जो है जो है सतारा से बीस डिग्री सेल्सियस आपका है मोस्ट फेवरेबल माना जाता है ट्रॉपिकल कल्टीवर्स की बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन पे जो वराइटीज हम लगाते हैं ठीक है शो ग्रोथ इवन 35 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी डिग्री टू थर्टी डिग्री सेल्सियस आर नीडेड फॉर ट्रांस ट्रांस फ्रॉम वेजिटेटिव टू देखो ध्यान देना है अगर हम ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल्टीज uh, की बात करते हैं ठीक है <coughs> तो uh, वो आपकी जो ग्रोथ आपकी होगी शो करती है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पे करती है और लोअर टेम्परेचर का जो रेंज होना चाहिए आपकी ट्रॉपिकल uh, वराइटीज uh, के लिए वो आपका टेम्परेचर आपका पांच डिग्री से लेकर अट्ठाईस से तीस डिग्री डिग्री तक माना जाता है किसके लिए वेजेटिव से लेकर आपका कर्डिंग फेज तक जो कर्ड, कर्ड आपका जो फ्रूट बनेगा आपका उसके बीच का टेम्परेचर अट्ठाईस से तीस डिग्री सेल्सियस आपका होना चाहिए सॉइल की बात करते हैं सॉयल आपको ध्यान रखना है कि सॉयल आपकी क्या होनी चाहिए सॉइल की बात करें आपकी लाइट अर्ली क्रॉप्स के लिए आपकी लाइट सॉइल मानी जाती है फॉर अ प्रेफर्ड वाई लोमी एंड क्ले सॉइल्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर

ये भी आपको पे ध्यान रखना है। वही हम बात करते हैं टाइम की की बात बात करना चाहेंगे। अगर हम टाइम की बात करते हैं, देखो हमें शोइंग के लिए सबसे पहले तो नर्सरी बनानी पड़ी फिर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं इसकी ठीक है अक्सर पहले नर्सरी को प्रिपेयर करेंगे नर्सरी बनाएंगे फिर उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करेंगे ठीक है तो मिड सीजन क्रॉप की बात करें तो मिड सीजन क्रॉप में आपने ध्यान रखना कि हमें क्या करना है सक्सेसफुल बाय प्रोटेक्शन ऑफ बेड्स फ्रॉम हैवी रेन ड्यूरिंग जुलाई अगस्त इज एसेंशियल ठीक है देखो हमें क्या करना है बेड मतलब प्रोटेक्शन ऑफ बेड्स फ्रॉम हैवी रेन्स ठीक है बेड को हमने प्रोटेक्ट करना है आपकी जो हैवी रेनफॉल होगी बारिश होगी जुलाई और अगस्त में ये असेंशियल माना जाता है ठीक है कि आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा दीडलिंग्स फॉर मिड लेट एंड लेट क्रॉप के लिए क्या होगा कि uh, होगी. ठीक है आपको raised जो है आपको बेड बनाने हैं ठीक है थीके? और आपकी अगर बात करें बिकॉज़ ऑफ़ मतलब जो temperature condition अगर favorable, favorable हो आपकी तब बनाने हैं आपको अर्ली मेच्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं मई जून में क्या करते हैं हम क्या करते हैं आपकी शोइंग करते हैं अर्ली मेच्योरिटी के लिए मिड सीजन मेच्योरिटी की बात करते हैं जुलाई अगस्त में क्या करेंगे, करेंगे. और मिड लेट uh, मच्योरिटी की बात करते हैं तो सितंबर में क्या करते हैं इसके हम शोइंग करते हैं आपको शोइंग टाइम आपको तीनों का याद रखना है अर्ली मेच्योरिटी का मिड का मई जून में क्या करेंगे अर्ली करेंगे और मिड मिड uh, की हम करेंग, कब करेंगे करेंगे कब जुलाई अगस्त में मई जून जुलाई अगस्त उसके बाद सितंबर आएगा आपका मई से ध्यान रखना अर्ली मई जून अर्ली मिड आपका जुलाई अगस्त ठीक है उसके बाद सेबर आता है महीने सबको याद होंगे ठीक है तो मिड लेट जो मेच्योरिटी होगी उसकी शोइंग टाइम होगा सेप्टेंबर में ठीक है सीड रेट कितना लगेगा आपका वैसे देखो सीड रेट आपका अर्ली का मिड का और लेट का तीनों का अलग अलग है तीनों का कई बार पूछ जाता है अलग अलग अर्ली का बताओ लेट का बताओ और मिड का बताओ तीनों का कई बार लेट है लेकिन आपको अभी के लिए जो याद रखना है भाई वो आपको रखना है जो जनरली हम यूज करते हैं चार सौ पचास से सात सौ ग्राम सीड पर हेक्टर करते हैं ये रिकमेंडेड आपका है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है और ट्रांसप्लांटिंग हम करेंगे ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो तो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए डिस्टेंस ठीक है अर्ली की हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो आपको रो टू रो साठ सेंटीमीटर देना है डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट आपको तीस से पंतालीस सेंटीमीटर के बीच आपको डिस्टेंस देना है अगर आप लेट वराइटीज लगा रहे हो तो आपका डिस्टेंस रहेगा रो टू रो डिस्टेंस आपका रहेगा 60 टू 75 सेंटीमीटर रहेगा 60 से पचहत्तर सेंटीमीटर रहेगा प्लांट टू प्लांट आपका 45 टू 60 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस रहने वाला है कितना रहने वाला है

आपको यहां पे याद रखना है ठीक है पर हेक्टेयर में और अगर हम बात करते हैं आपकी पोटाश की बात करते हैं तो पोटाश भी आपको यहां पे जो देनी है आप जो रेशियो में, में दे सकते हो आप यहां पर वन फिफ्टी वन ट्वेंटी रेशियो में दे सकते हो आप पोटाश भी इसमें ठीक है वन किलोग्राम पर हेक्टेयर इंटरकल्चर ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहां पे बीड्स आपको नजर आएंगे अनवांटेड प्लांट्स में उनको हटाना पड़ेगा हैंड बीडिंग हम कर सकते हैं ठीक है बाकी हम यहाँ पे बेसलीन जो है पर एक्टर यहाँ पे जी इसको आ, यूज कर सकते हैं आपका जो हो गया टेनोर हो गया इसका हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये होगी बीडी साइड रह गया बॉटर मैनेजमेंट के लिए हमें इरिगेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी अर्ली की बात करें मिड सीजन क्रॉप की बात करें यूजुअली लेसर नंबर ऑफ इरिगेशन कम हमें पानी देना पड़ेगा उसमें क्योंकि वहां पे रेनफॉल आपकी काफी ज्यादा होगी किसमें होगी अर्ली और मिड में पता है कि टाइमिंग क्या है शोइंग का उसका पता है उस टाइम बरसात होती है आपकी ठीक है अब बात करते हैं लेट की बात करते हैं वहां पे थोड़ी रेनफॉल कम होती है तो वहां पे हमें इरिगेशन देनी पड़ती है तो हम इरिगेशन कौन सी फॉलो करते हैं फॉलो इरीगेशन सिस्टम हम फॉलो करते हैं ये मेथड हम फॉलो करते हैं आपका लेट वराइटीज के लिए लेट शोइंग वरायटीज जिसके हम सेप्टेंबर में हमने क्या की शोइंग की थी शोइंग टाइम क्या था सेप्टेंबर में था आपका क्या था सेप्टेंबर में था आपका हार्वेस्टिंग की बात करेंगे जनरली हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं ठीक है हार्वेस्टिंग करेंगे हम कब करेंगे जब आपका जो कर्ड है आपका मच्योर हो जाएगा ठीक है जो कर्ड आपका फ्रूट जो आपका जिसको हम फ्रूट बोलते हैं जो फ्रूट पार्ट है उसको हम कर्ड कहते हैं जो आपका मच्योर हो जाएगा और व्हाइट कलर का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा व्हाइट सफेद कलर का हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या करेंगे इसकी हम हार्वेस्टिंग कर देंगे ठीक है और हार्वेस्टिंग दी कर्ड्स आर कट ऑफ स्टॉक बेल हमने क्या करना ध्यान देना हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपने कर्ड जो आपका वो आपको स्टॉक से नीचे से काटना है

ठीक है उनकी जो आपकी यील्ड है वो आपकी ज्यादा निकलती है आपकी अर्ली और मिड सोन से ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कुछ डिजीज के बारे में बात करना चाहेंगे डिजीज की बात करेंगे स्टॉक रॉट आपकी आती है और सिम्टम सॉरी कोज ऑर्जम कौन सा है स्क्लेरो टीरोम ठीक है ये आपको कॉज ऑर्गिजम्स है तो इसमें सिम्टम्स क्या नजर आते हैं जो पत्ते होंगे इसके ठीक है वो आपके लाइट ग्रीन कलर उनका होगा और येलो कलर के आपके हो जाएंगे वो और ब्लैक सॉफ्ट रॉट लेटर ऑफन अपियर ऑन पेटिओल्स जो पेटियोल्स होंगे ठीक है उसमें क्या होंगे ब्लैक और सॉफ्ट कलर के आपको वहां पे जो है आपको वहां पे अपियरेंस आपको दिखाई देगी रॉट्स आपको दिखाई देंगे रोकना कैसे हमने रोकना कैसे हमने क्रॉप रोटेशन हमें करना चाहिए नंबर एक दूसरे हमें जो है जो डिजीज रेजिस्टेंट वराइटीज है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिजीज को जो रजिस्टर करती है वो वराइटीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी हम यहाँ पे बेनलेट की अप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ये यह हम यहाँ पे केमिकल हम की हम स्प्रे कर सकते हैं रूट रॉट की बात करते हैं राइजोकटोनिया सोले सोलेनी इसका क्या है कॉजुल ऑर्गेनिज्म है इसी कॉजुल ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज फैलेगी जो यंग प्लांट्स होंगे आपके सॉफ्ट हो जाएंगे वाटर सोक्ड लेसनस आपके स्टेम के पे आपके दिखाई देंगे ठीक है और जो कॉर्टिलिजोंस होंगे आपके ठीक है कॉर्टिलिजोंस आपके उसमें आपके क्या होंगे आपके जो आपके लेसन है आपके वो आपकी नजर आएंगे ठीक है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद बात करें मैनेजमेंट की बात करें तो हमें ड्रेंचिंग करनी चाहिए मिथाइल ब्रोमाइड की ड्रेंचिंग हम कर सकते हैं ठीक है ठीके? वन किलोग्राम टेन मीटर स्क्वेयर एरिया पे ठीक है और बाकी हम हमने पॉलिथीन शीट से हमने अप कर देना है ठीक है और सीड को ट्रीटमेंट करना कैप्टन और थेरम से करना है ठीक है फंजी आपके हैं सारे फंजी ही आपके हैं

वो अपने यहाँ पे देख लेना नेक्स्ट आपका कॉलीफ्लावर बटरफ्लाई आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पेस्ट है अगर कॉलीफ्लावर बटरफ्लाई की बात करते हैं ठीक है आ, पियरिस क्या है है या है साइंटिफिक नेम आपको याद रखना डेमेज सिम्टम्स आपके क्या क्या होंगे ठीक है फीड ऑन जो कैटरपिलर इसके होंगे आपके क्या करेंगे पत्तों पे को खाएंगे यंग शूट्स खाएंगे और ग्रीन पॉड्स खा लेंगे ठीक है भेन यंग दे फीड आ, देखो यहां पे क्या होगा आपका ध्यान देना कि जो कैटरपिलर स्टेज पे क्या करेंगे आपके जो यंग आपके पत्ते होंगे शूट्स होंगे ग्रीन पॉट होंगे उनको खा जाएंगे ठीक है उसके बाद जो है आपका जो जो लिपी सरफेस है आपका ठीक है वो जो लिपी सरफेस और जो उसका मार्जिन है, ठीक है पत्ते का जो मार्जिन है उसको सारा खा के ये मतलब डैमेज ही पहुंचाए एक तरह से ठीक है पत्ते को पूरा नुकसान पहुंचाए तो वहां पर फोटोसिंथिस में दिक्कत आ जाएगी तो फोटोसेंथिस नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट करेंगे आपका हम कंट्रोल कैसे करेंगे इनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे फिर कंट्रोल करने के लिए सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि मेलेथियॉन हम पांच परसेंट हम दे सकते हैं एट रेट थर्टी सेवन पॉइंट फाइव किलोग्राम पर हेक्टेयर में अप्लाई करना है ठीक है एंडोसल्फान हो गया आपका इसके हम स्प्रे कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको सिंपल सा ध्यान रखना है ब्लेंचिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा गया ब्लेंचिंग से ब्लेंचिंग एक इंटरकल्चरल ऑपरेशन होता है क्या होता है ब्लेंचिंग एक

अरेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज देखो सूरज की रोशनी में क्या होता है इसमें आपका येलो कलर आपका करड़ में दिखाई देता है उस येलो कलर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करते हैं जो अर्ली वराइटीज हमारे होती है ब्लेंचिंग करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं सुबह के टाइम पे आपके जो पत्ते होते हैं उन पत्तों से जो करड़ को ढक देते हैं ठीक है ये क्या आपकी ब्लेंचिंग है या आपको याद रखना है फ्रूट ऑफ कॉलीफ्लावर इज नॉन एज कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री सीजन वराइटीज आर अवेलेबल इन कॉलीफ्लावर की तीन सीजन वराइटीज आपकी मिड है अर्ली है आपकी लेट है ठीक है स्कूपिंग की बात करते हैं स्कूपिंग हम है क्या करते हैं रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ करण करण का जो बीज का भाग होता है उसको रिमूव करना है ठीक है फॉर अर्ली इनिटिएशन ऑफ फ्लॉवर स्टॉक ठीक है ताकि फ्लॉवर स्टॉक हमारा जल्दी आ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं जो आपका करण का जो बीज का जो पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं उसको बोलते हैं स्कॉपिंग क्या बोलते हैं स्कॉपिंग इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है पूसा और पूसा हिमज्योति और पूसा स्नोबॉल की बात करते हैं ये सेल्फ बेलेंस्ड हैबिट हैबिट में रहती है यानी कि अगर बात करें अगेन इसकी एक बात ये भी पूसा हिमज्योति और पूसा स्नोबॉल की अगर बात करते हैं ये आपकी लेट मेच्योरिटी uh, वराइटीज आपकी कॉलीफ्लावर की हैं ठीक है तो अभी कॉलीफ्लावर के लिए इतना ही ठीक है हमारा कॉलीफ्लावर फिर से कंप्लीट हो चुका है जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने डिस्कस यहाँ पे कर ली है इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होनी है उसमें हम कैबेज के बारे में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे के के है, है है? है? तो उसके बाद आपकी जो तो क्लास होगी वो लेट नाइट चलेगी आपकी हॉर्टिकल्चर की क्लास अभी दो तीन क्लासेज अभी चार क्लासेज बचती है हॉर्टिकल्चर की फोर क्लासेज हमारी हॉर्टिकल्चर की बस्ती है ठीक है फिर एक आपकी सीड साइंस की बस्ती है फिर रिवीजन सेशन चलेगा आपका ठीक है चार पांच पांच क्लासेस टोटल बचती है ठीक है फाइव क्लासेज बचती है फिर खत्म है हमारा ठीक है चलिए मिलते हैं सिक्स